नमस्कार दोस्तों, आज मैं यात्रा करने जा रही हूँ बेंगलोर से आगरा, फिर आगरा से मथुरा। तो मेरे मन में विचार आया, एक यात्रा वृतांत आपको सुनाया जाए। दिस इज आई फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार अपने यात्रा वृतांत बना रही हूँ। मेरी बेटी जो बेंगलोर में एयरपोर्ट पर मुझे छोड़ने आई है, डॉक्टर अनन्या त्रिपाठी, और अब मैं देखो अकेली तैयार हूँ लाइन में लगने के लिए अपने बैग एंड बैगेज के साथ। यहाँ सबसे पहले डिपार्चर गेट पर हमारा फेस स्कैन हुआ, उसके बाद हमें अंदर जाने की अनुमति मिली। फिर वहाँ जाकर मैंने बैग एंड बैगेज जमा किया, हैंड बैग लेके मैं अंदर प्रवेश कर गई एयरपोर्ट में, और ये मेरा पहला फ़ोटो, मैंने अपना सेल्फी लिया। उसके बाद दो तीन फ़ोटो और मैंने किसी एक लड़के को बुलाकर उससे खिंचवाए, क्योंकि अंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। दीवारें वगैरह अच्छे से सजी हुई थी और मेरा मन हुआ कि दो तीन फोटो लिए जाए। यदि आपको अच्छा लगे हमारे यात्रा वृतांत तो जरूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंदर फ्लाइट बैठने से पहले वेटिंग एरिया है, बहुत बड़ा वेटिंग एरिया, क्योंकि मैं इंटरनेशनल गेटवे से मेरी फ्लाइट थी, इसलिए एरिया बहुत बड़ा था। और यहाँ मैं आपको दिखा रही है फ्लाइट जा रही है जो टेक ऑफ के लिए तैयार, यानी उड़ने के लिए तैयार है। धीरे धीरे से ऐसी रैंक कर जाती है आगे की तरफ, रनवे की तरफ, फिर ये ऊपर की ओर उड़ती है। ये गाड़ियाँ जो आपको अंदर चलती दिखाई दे रही, जिनके टर्मिनल दूर होते हैं और सीधा पाइपलाइन नहीं बनाते बैठाने के लिए, उनको इन गाड़ियों में बैठा कर फ्लाइट की तरफ ले जाया जाता है। और ये एक येलो कलर की फ्लाइट मुझे बहुत सुंदर ये दिखा हवाई जहाज, तो मैंने इसका भी वीडियो बनाया। ये भी उड़ने के लिए तैयार है। ये इंटरनेशनल फ्लाइट है, यानी किसी और देश के लिए इसकी उड़ान है। और ये देखिए कितनी सुंदर इसका कलर दिख रहा है। तो ये कई बार घूम घूम कर अपने लास्ट फ्लाइंग पॉइंट तक पहुँचते हैं। काफ़ी दूर, कम से कम दो तीन किलोमीटर के अंदर ही अंदर यात्रा कर लेते हैं ये, उसके बाद उड़ान भरते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा भी जो एरोप्लेन है वो लग चुका है, हमें इसके लिए अब जाना है। ये फ्लाइट वेटिंग में लगी हुई, जिनको थोड़ी देर में उड़ना है। और इसीलिए कुछ दूर पर इन्हें लगाया जाता है वेटिंग के लिए। और ये जो फ्लाइट दिखी 6E इंडिगो, इसमें मुझे बैठना है और मुझे उसके लिए लाइन भी लगानी है। हमारे फेलो पैसेंजर लाइन में लग चुके हैं। अब भारत में हैं तो लाइन तो हर जगह है। ये देखिए लाइन लगी हुई है गेट नंबर 40 से, हमें अपनी फ्लाइट में बैठना है। गेट नंबर 40 आपको दिखा, और गेट 1 से लेकर के 43 तक है इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए। अब मैं लाइन में लगने जा रही हूँ, उसके बाद मेरा नंबर आएगा फ्लाइट में बैठने का। देखो सामने हमारी फ्लाइट है, यहाँ देखो लाइन, और अपनी टिकट वगैरह चेक कराने के बाद मैंने अंदर इसलिए, फिर भी फ्लाइट में जस्ट एंट्री से पहले फिर से एक बार टिकट चेक होती है, वहाँ से चेक कर रही। अब मैं अंदर घुसने को तैयार हूँ। ये अंदर की जो एयर होस्टेस है वो विनम्र मुद्रा में खड़ी होती है। आठ चुकी हूँ फ्लाइट में, 2 घंटे लगेंगे केवल हमें बेंगलोर से आगरा पहुँचने में। और आगरा का एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि ये डिफेंस एरिया। अब हम बैठ चुके हैं, ये एयर होस्टेस सीट बेल्ट लगाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है सभी को। और ये देखो मैं आगरा पहुँच गई। यहाँ फोटो वगैरह आसानी से नहीं लेने देते, क्योंकि ये डिफेंस एरिया का रनवे यूज करता है एयरपोर्ट। फिर भी मैंने एक फ़ोटो ले लिया। और ये देखो मेरी फ्लाइट मेरे पीछे खड़ी है, इसको मैंने अब छोड़ दिया है और मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। बाहर निकलने से पहले फाइनली मुझे मेरा सूटकेस मिल जाएगा, जो मैंने फ्लाइट की केबिन में रखा था। और यहाँ मेरे पतिदेव गाड़ी लेकर आ चुके हैं, हमारी विटारा ब्रीजा, जिसमें मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। और अब मैं मथुरा के लिए यात्रा करूँगी, जहाँ के लिए मुझे यहाँ से 1 घंटा फिर लगेगा। सभी को राधे राधे, मथुरा से फिर मिलेंगे।